वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, और स्वागत है आपका नए व्लॉग में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज, जो कि पूर्वी दिल्ली यानी कि ईस्ट दिल्ली में आता है। और ये ब्रिज जो है वो ईस्ट दिल्ली को नॉर्थ दिल्ली से जोड़ता है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, क्या शानदार व्यू है और चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। ये ब्रिज के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में यमुना नदी है, और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। उसमें भी पानी का फ्लो काफ़ी बढ़ा हुआ है क्योंकि बरसात का भी टाइम चल रहा है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ब्रिज, बहुत सुंदर लग रहा है। दिल्ली का पहला केबल ब्रिज है, और आप देख रहे हैं गाड़ियों की रफ्तार। संडे का दिन है और गाड़ियाँ अपने शोरों जोरों से चल रही है, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, और नॉर्मल डेज में भी नहीं होता है क्योंकि ये एट लेन ब्रिज है। और कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो ब्रिज है ये दिल्ली टूरिज़्म के अंडर आता है, और आप देख सकते हैं कि कितना विशाल, कितना ऊंचा ये ब्रिज है, और रोशनी सूरज की बिल्कुल डायरेक्ट हमारे कैमरे की तरफ आ रही है। और ये लेफ्ट साइड में भी कुछ काम चल रहा है क्योंकि ये सेल्फी पॉइंट बनेगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जाने का रास्ता है वहाँ पर, और यहाँ से लिफ्ट के थ्रू आप ऊपर जाएँगे, और ऊपर यहाँ पर आपको सेल्फी पॉइंट मिलेगा इस जगह पर, ठीक जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। और ये आप देख सकते हैं एक तरह से पूरे केबल कनेक्टिविटी है इसकी, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी। और गाइज, अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने फ्रंट कैमरे से, तो अभी मैं आईफोन से शूट कर रहा हूँ, आईफोन 7 से, और ये देख सकते हैं फ्रंट कैमरे से क्या व्यू आ रहा है बैकग्राउंड का। और ये मैं अभी पुल के बिल्कुल साइड में खड़ा हूँ, बिल्कुल ब्रिज के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ, जो सेल्फी पॉइंट है। और ये पीछे ट्रैफिक आपको दिख रहा है, और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये यमुना नदी है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। तो वो जो ब्रिज दिख रहा है आपको, वो वज़ीराबाद ब्रिज है, जो ओल्ड ब्रिज जिसे बोलते हैं। और ये है सेल्फी पॉइंट, और ये ऊपर सेल्फी पॉइंट बनेगा। अभी खोला नहीं गया है नॉर्मल लोगों के लिए, लेकिन बहुत जल्दी खुल जाएगा, तो आप भी इस ब्रिज पर आ सकते हैं और सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ये सेल्फी पॉइंट बनेगा ऊपर की तरफ, और ये बहुत ही बढ़िया होगा सबके लिए, स्पेशली फॉर ईस्ट दिल्ली एंड नॉर्थ दिल्ली पीपल, उनके लिए बहुत ही पास है ये। और दिल्ली का ये बहुत ही अच्छा हॉटस्पॉट बनने वाला है, और ऑलरेडी बन भी चुका है, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी आते रहते हैं। गाइस, इस वीडियो की सबसे खास बात ये है कि ये वीडियो मैंने दो पार्ट में शूट किया है, एक डे में और एक नाइट में। तो डे का जो पार्ट है वो मैंने कम्प्लीट कर लिया, और अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। तो नाइट का पार्ट शूट करने के लिए अभी हम दोबारा आएँगे इवनिंग में, और वो पार्ट मैंने इसी वीडियो में ऐड किया है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं इसके थोड़ी देर बाद नाइट में सिग्नेचर ब्रिज कैसा लगता है, आपको दिखाऊंगा मैं इसी वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस व्लॉग को। तो गाइस, अब बज चुके हैं शाम के 7:30, और हम चल रहे हैं दोबारा सिग्नेचर ब्रिज की तरफ, और दिखाएँगे आपको कि नाइट में सिग्नेचर ब्रिज की रौनक और चहल पहल कैसे होती है, कैसे लोग वहाँ पे गैदर होते हैं और एक दूसरे की फ़ोटो क्लिक करते हैं। ब्रिज बनने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। कुछ टाइम पहले जो वज़ीराबाद का पुराना ब्रिज है, वहाँ पर एक स्कूल बस गिर गई थी, ये नए ब्रिज की मांग उठी थी, और आज आपके सामने ये सिग्नेचर ब्रिज बन के तैयार है। तो चलिए, और अभी दिखाते हैं आपको सिग्नेचर ब्रिज। हम सिग्नेचर ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं, और ये जो आपको लाइट्स दिख रही हैं, सिग्नेचर ब्रिज इधर से स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से बिल्कुल 400 मीटर के बाद आपको सिग्नेचर ब्रिज दिखेगा। तो देखते हैं सिग्नेचर ब्रिज और एंजॉय करते हैं। गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम सिग्नेचर ब्रिज से बिल्कुल 100 कदम की दूरी पर हैं, और हमारे आगे एक DTC बस गई है अभी। और ये देखिए सिग्नेचर ब्रिज लाइटिंग में कैसा लगता है, नाइट टाइम में कैसा लगता है। और अभी आपको ये देखिए, इस चीज़ के लिए मैं अभी ये नाइट में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है अपना रंग बदलता है, और आप देख रहे हैं कलर चेंज होते रहेंगे अब इसके, और बहुत ही खूबसूरत लगता है, कभी रेड कलर, कभी ब्लू कलर, कभी ग्रीन कलर, डिफरेंट कलर्स में ये रंगा रहता है रात भर। और यही नज़ारा देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, दिल्ली से आते हैं, दिल्ली के बाहर से भी आते हैं,
और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसकी केबल कितनी लाइट और शाइनिंग लग रही है, शाइन मार रही है। और देखिए ये देखिए कैसे कलर बदल रहा है ये सिग्नेचर ब्रिज। तो गाइज आप भी यहाँ आइए और देखिए और मज़ा लीजिए इस सेल्फी पॉइंट का, और आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। तो आइए और इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा यहाँ पे, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो के नीचे कि आपको ये सिग्नेचर ब्रिज कैसा लगा। तो अभी देखते रहिए आगे और देखिए क्या लाइटिंग हो रही है, क्या लाइट्स इसकी क्या जगमगा रही है, क्या खूबसूरत लग रहा है। गाइस अभी हम खड़े हैं सिग्नेचर ब्रिज पे और ये यमुना नदी है, अंधेरे में शायद आपको उतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। ये है सामने सिग्नेचर ब्रिज, ये गाड़ी की रफ्तार देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोनों तरफ यमुना रिवर है और बीच में सिग्नेचर ब्रिज है, और ये जो ब्रिज है एक तरफ वजीराबाद और एक तरफ भजनपुरा से कनेक्टेड है, ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली दोनों को कनेक्ट करता है, और बहुत ही खूबसूरत है। रात के टाइम आएंगे तो बहुत अच्छा नज़ारा दिखेगा आपको। और ये कंगा केबल ब्रिज है दिल्ली का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है देखने में, और ये ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली को जोड़ता है। आप देख सकते हैं इसकी लाइटिंग कितनी खूबसूरत है और देखने में कितना ही विशाल और सुंदर लग रहा है ये। अगर न्यू है और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।